गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू वीडियो क्लास। आप सभी बच्चों का वीडियो क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट दो चुटकी चिड़िया पार्ट पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले तो इस पार्ट में कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि छत। हर किसी को एक छत की जरूरत होती है, रहने के लिए घर चाहिए। हर किसी को रहने के लिए घर का होना बहुत जरूरी है। एवरीवन नीड अ शेल्टर टू लिव। नन्हे से नन्हा जीव भी अपने रहने का प्रबंध करता है। प्रबंध मीन्स व्हाट? अरेंज। ऑलमोस्ट स्मॉल टू स्मॉलेस्ट लिविंग क्रीचर आल्सो अरेंज अ शेल्टर फॉर देमसेल्फ। कुछ जीव अपना घर बनाते हैं, कुछ रहने की जगह ढूंढते हैं और चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। सम लिविंग क्रीचर बिल्ड अ हाउस, सम सर्च देयर शेल्टर। स्पैरो कलेक्ट्स ऑल द थिंग्स विच शी नीड टू बिल्ड अ नेस्ट। सो घोंसला मीन्स नेस्ट। जंगली पशु मीन्स वाइल्ड एनिमल्स। जंगली पशु तो जंगल में या गुफा में रहते हैं। गुफा मीन्स व्हाट? डेन। और जंगल आप जानते हो बच्चों, फॉरेस्ट। पालतू पशु मनुष्य द्वारा बनाई गई जगहों में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल लिव्स इन देयर शेल्टर विच इज प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये तो हो गया पार्ट प्रवेश, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। अभी मैं यही पार्ट आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं ये पार्ट आपको कहानी के रूप में समझाऊंगी। मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों? आप बीच में भी बोलते हो मैम कहानी सुना, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपको कहानी द्वारा समझाऊंगी ताकि आप बहुत जल्दी से समझ सकें। अभी कहानी का सारांश है कि इस पार्ट में एक बंदर है और एक चिड़िया है। अभी चिड़िया बंदर को क्या सलाह देती है, क्या बनाने को कहती है, ये सब इस पाठ में दिया। इस पाठ में बताया गया है कि एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। नटखट बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करता रहता है। नॉटी मंकी इज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। हर मौसम में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इन ऑल द सीजंस ही इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। चिड़िया उसे सलाह देती है, सलाह एडवाइस। नटखट नॉटी, मौसम सीजन, कोशिश टू ट्राई। तो ये चिड़िया उसे सलाह देती है, एडवाइस करती है कि अपना एक घर बना लो तो सर्दी गर्मी और बसा से बचे रहोगे। स्पैरो इज एडवाइसिंग टू द मंकी टू बिल्ड ए हाउस सो ही कैन से इन ऑल द थ्री सीजन, रेनी विंटर एंड समर। किंतु बंदर का स्वभाव मेहनती नहीं होता बच्चों, वो मेहनत करने वालों में से नहीं है। वह चिड़िया की बात को अनसुनी कर देता है। स्वभाव, स्वभाव मीन्स नेचर। जो बंदर का गुण है वो एकदम अलग है। वो क्या करता है? मेहनती नहीं होता। वह चिड़िया की बात को अनसुनी करता है। अनसुनी मीन्स व्हाट? टू प्रिवेंट नॉट टू हियर What is said? अनसुनी कर देता। वो कहती है कि तुम्हें अपना घर बना दो, पर ये माने नहीं। वो कहता कर नहीं, मुझे नहीं बनाना है। But monkey is not a hard worker. He ignored the sparrow's work. तो बच्चों अभी जो मैंने आपको पार्ट सिखाया, इस पार्ट से हमने क्या सीखा, क्या सीख सकते हैं हम? कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत करने वाला जीव लघु होने पर भी सारे साधन जुटा देता है। लघु मीन्स व्हाट? स्मॉल। मेहनत
करने वाला जीव लघु होने पर भी सारे साधन जुटा लेता है। इफ द लिविंग क्रीचर इज स्मॉल बट हार्ड वर्कर इट कैन कलेक्ट ऑल द थिंग्स विच इज नीडेड। कुछ जीव समर्थ होकर भी आलसी स्वभाव के कारण आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। अभी क्या है समर्थ, समर्थ मीन्स केपेबल। आलसी लेजी और आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट जीव समर्थ होकर भी आलसी स्वभाव के कारण वे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। सम लिविंग क्रीचर इफ दे आर कैपेबल आल्सो बिकॉज ऑफ द लेजीनेस दे कांट बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। अभी बच्चों मैं आपको यहाँ तक तो कहानी सुना चुकी, आपको कैसे लगा? अच्छा लगा ना कि बंदर कैसा है और चिड़िया कैसी। अब चिड़िया ने और एक बात बंदर से कही। उसने क्या कहा बंदर से? जब देखो ठंड में इधर उधर देखो कितनी बारिश हो रही, मुझे देखो मैं कितनी सेफ हूँ, मैं मेरे घर में हूँ। आई बिल्ड अ नेस्ट एंड आई एम सेफ इन माय नेस्ट, व्हाई कांट यू बिल्ड अ हाउस? देन शी सेड यू हैव टू हैंड्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन बिल्ड अ हाउस यू कैन ऑल्सो बिल्ड। बट वॉट ही रिटर्न, नो आई डोंट वॉन्ट दिस फुल ट्री इज ओनली माई हाउस, नो नीड ऑफ हाउस, वेर एवर आई वॉन्ट आई कैन गो, I want to grow fruits, I can pluck candy, I want to swing, I can do whatever I want, I can do. So I don't want the house. But what sparrow said, see I don't have hands, I have only small beak, with that beak only I am collecting the things which I need and today I am safe. But monkey won't listen all this. अभी बच्चों आई विल आस्क यू ओनली टू क्वेश्चन, स्मॉल टू क्वेश्चन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक ए स्टोरी। नाउ अभी मैं बताऊंगी आपको विच एनिमल आर लिव्स इन होल्स। यस ट्री, हु विल और हु विल स्टे? रैट, रैबिट एंड चींटी। चींटी मींस एंट। एंड वेयर डज द मंकी लिव? मंकी लिव्स ऑन ट्रीज एंड बिग बिग ओल्ड बिल्डिंग्स। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये स्टोरी खत्म की। आपने सुना, आपको पता चला कि इस कहानी में क्या क्या बताया है। जो भी मैंने ये शब्द लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है, अभी मैं ये कहानी दोबारा और एक बार दोहराऊंगी इसके जरिए। इस कहानी में कौन से पात्र है? पात्र मीन्स कैरेक्टर। एक तो चिड़िया है और एक तो बंदर है। अभी चिड़िया क्या है? मेहंदी है, हार्ड वर्क करे, वो अपनी मेहनत से घोंसला बना दिए। अब घोंसला बनाने के लिए विच थिंग्स शी नीड? स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कॉटन पीसेस, स्मॉल क्लोथ पीसेस शी वांट्स। बिकॉज ऑफ दैट शी बिल्ट द नेस्ट एंड फॉर दैट शी गॉट द सक्सेस। सफलता मीन्स सक्सेस। नाउ हाउ इज द बंदर? ही इज जंपिंग फ्रॉम वन पेड़ टू अनदर, वन ट्री टू अनदर। Whatever he wants, he is plucking the sweet fruits and he is eating. And he is very naughty in nature. What is the he is all lazy also. So what is the result? He didn't get any success. तो अभी मैंने जो ये पूरा पार्ट बच्चों आपको पढ़ाया, इसका मॉरल क्या है? What is the moral of the story? Moral of the story ये रहेगा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अभी सफलता क्या है? सक्सेस। पूंजी क्या है? की। तो इंग्लिश में होगा हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सो चिल्ड्रन इफ यू डू हार्ड वर्क डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हियर आई फिनिश द लेसन। थैंक यू चिल्ड्रन।